अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जनता कर्फ्यू की मांग को अच्छी प्रतिक्रिया दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए और सड़कों को सुनसान पाया गया। बठिंडा जिले में था कि कोरोना का प्रभाव देखा गया था, यहां बस स्टेशन और ट्रेन स्टेशन को बंद कर दिया गया था, शहर का चौक चौराहा खाली नजर आया। जनता ने बहुत सहयोग दिया, पुलिस नूं इन्नी मुशक्कत नहीं करनी पई भी लोगों नूं जिहड़ा हैगा फोर्सली अंदर घरां दे धक्किया जावे, लेकिन अपने आप जिहड़े लोग हैगे आ उह अपने घरां दे विच रहि रहे ने। इस गल तों एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ी आ उह धन्नवाद करदी आ। 39 पॉइंट्स ते जिहड़ियां हैगियां 12 जिहड़ियां हैगियां पेट्रोलिंग हैगियां ने नाके ते जिहड़ियां पेट्रोलिंग ने। किन्ने जवान तैनात कीते गए अच्छा जिहड़े शहर दे विच हैगे आ? इह करीब 330 दे एम्प्लॉइज जिहड़े पोस्टड हैगे ने जिहड़े। देखो प्राइम मिनिस्टर साहब की अज की अपील सी, लेकिन हुण जिहड़ी हैगी आ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने 31 तक कर दिती हैगी आ। उत्थे हेल्थ दे नोडल अफसर लगे ने, पुलिस की टीम जांदी है जी, तो उस नोडल अफसर नाल ला के फिर वो जो भी अगे फरदर उन्होंने जी प्रोसीडिंग होंगी करते हैं। इनफॉर्मेशन वास्ते कितने देनी? इनफॉर्मेशन PCR से 100 नंबर से 112 से जिथे मर्जी नोट कराओ उस वेले टीम जी पहुँच गई। शाम के किन्ने बजे तक जारी रहेगा? यह तो नैक्सट ऑर्डर तक हैगा जी, इस तरह ही रहेगा। वायरस COVID-19 पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लै चुका है। यह चाइना के वुहान शहर में शुरू होकर 117 देशों में फैल चुका है, तो भारत में भी अपनी चपेट में लै चुका है। हुण तक भारत में 332 केस जो हो चुके हैं, तो पंजाब में 13 केस हो चुके हैं जिन्हों में एक मौत हो चुकी है। इस मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने यह अपील की है कि 23 तरीक न 22 जनता कर्फ्यू रखा जाए ता कि यह जी करोना वायरस की चैन अगे टुट सके, इनू अगे ना वधिया जा सके, घर तक घर तक ना फैले। एक होर गल दस दी जाए इतने खास करके कि यह अपने आप घरें नहीं फैलता, ये तुसी जे बाहर जाने हो एक दूजे चुने हो तो किसी के संपर्क में आने हो तो यह तुहानू हुंदा है, इह तों अवेयर रहने की लोड़ है। तो इस दे नाल मोढ़े ना मोढ़ा लागे कुछ समाज सेवी संस्था भी नाल जुड़िया ने जो सेवा कर रही ने जनता कर्फ्यू थ्रू। इस एक साढ़े तीन दोस्त साढ़े मौजूद ने जेडे इस मोढ़े ना मोढ़ा ला के चल रहे हैं सरकार दे अते सेवा कर रहे हैं, उन्होंने थोड़े ना गलबात करने कि वह गड्डियां लैके यात्रा ने अपने 20 किलोमीटर तक बठिंडे शहर तो अपने घर तक पहुँचाते हैं, अस्पताल तक पहुँचाते हैं ताकि उन्होंने कोई मुसीबत ना आ चुके। उन्होंने साढ़े एक मौजूद ने उन्होंने गलबात करते हैं। हाँ जी, की नाम है तुम्हारा? हरविंदर बॉबी जी। हाँ जी, तुम किस तरह की सेवा कर रहे हो? असी जी करोना वायरस के अंगेस्ट एक सेवा कर रहे हैं जी, 15 से 20 किलोमीटर फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा जी। कोई बंदा बंद मुश्किल में फसया हुआ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, उस बंदे नूं जाण वास्ते कोई साधन नहीं हैगा, उन्होंने सेवा प्रति एक गड्डियां फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने छड़ के आंदे जी 15 से 20 किलोमीटर, तो उसके संबंध में साड़ी सेवा लगी हुई है। इहदे नाल साडे कुछ होर दोस्त भी मौजूद ने जो टैक्सी चला रहे, उन्होंने भी गल। की नाम है तुहाडा जी? राजविंदर सिंह। हाँ जी, हुण तक किन्ने पेशेंट तुसीं छड़ चुके हो? सवेर के तकरीबन मैं 3 या 4 मैं हूँ छड़ के आया मरीज, एक पहला आदेश हॉस्पिटल के एमरजेंसी केस के उन्होंने मैं हूँ, उस तो बाद मैं 2 मरीजों मैं छड़ के आया। पेशेंट तो अलावा भी तुहाडे कोई मुसाफिर आए हैं जिन्होंने तुम छड़ के आए हो? हाँ जी, 2 मुसाफिर सके उन्होंने हूँ छड़ के आता गा। जी सेवा है ये प्रशासन वालों की कि थोड़े वालों फ्री वालों आप जेब चो पैसे लग के कर जाते हो? नहीं जी, ये असी मतलब अपनी यार दोस्त असी अपनी परसनल तौर पर अपने वालों कि यही कर रहे हैं अपनी सेवा। इस दे नाल कोई होर कड़ी सेवा कर रहे हो जिवें मास्क जां सैनिटाइजर जां कोई सेवा होर कर रहे हो तुसीं? हाँ जी, हाँ जी, असी मास्क वगैरह ते ग्लव्स वगैरह असी दे रहे हैं, सैनिटाइजर दा असी प्रॉपर लोगों नूं मतलब अवेयरनैस कर रहे हैं भी हैंड वाश वास्ते तुसीं अपना इस चीज़ का ध्यान रखो, लोगों नूं ज़्यादा अवेयरनैस कर रहे हैं असी। किस तरह का उपराला कर रहे सुनो जी तुसीं करोना वायरस के चलते? असी करोना वायरस के चलते लोगों को लगातार असी जिहड़ा है जागरूक कर रहे हैं जी, इसको सावधानी की जरूरत हैगी है, सैनिटाइजर यूज करो, हैंड वाश करो, ग्लव्स ते मास्क वगैरह पा के पब्लिक प्लेस के उत्ते तुसी जाओ, ते जे जरूरत नहीं हैगी है घरों निकलने की तो तुसी कोशिश करो भी तुसी आपदे घर ही रहो, कोई बड़ी एमरजेंसी तो निकलो। अज उसी मुहिम के जिवें प्रधानमंत्री साढ़े मोदी जी ने कहा सीगा भी तुसी आपदे घरां दे विच रहना हैगा सवेरे 7 बजे तो लैके रात 9 बजे तक, तो सारा जिहड़ा हैगा
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹ ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਮੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਰਡਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਵਾਰਡਨ ਅਨਿਲ ਭੋਲਾ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਕੁਛ ਮਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗਾ ਮਰੀਜ਼, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ ਟੈਸਟ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਹੈ ਤੋ ਇਸੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੇਂ।